फाइनली हम सब कहेंगे कि वो दिन आ गया है कि सेठ जी लॉन्च हुआ है, हमने सबने बहुत मेहनत की है अपने किरदार को लेकर, और आज बहुत खुशी हुई सच्ची में पूरे स्टार कास्ट के साथ एपिसोड देखने में। सारी मेहनत रंग लाई हमारी, यू नो ऑल द एफर्ट्स, इतना अच्छा लग रहा है, वी आर फाइनली ऑन एयर। यस, मेरा वेल कैरेक्टर इसमें बहुत ही चक्कीला काइंड ऑफ अ कैरेक्टर है, मैं देवी प्ले कर रही हूँ, आई एम द एंटागोनिस्ट, एंड इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ग्रे शेड एज वेल एज कॉमेडी। सो लाउड कैरेक्टर है, हमेशा बंठन के नखरे करती रहती है। मेरा एक टैगलाइन भी है उसमें जिसमें मैं हमेशा बोलती हूँ कि सच्ची सो आई होप लोगों को पसंद आए और बहुत सारा प्यार सेजी को मिले। वेल, मेरी दुकानदार एंट्री तो आप लोगों ने देख ही ली, मैं जब भी आती हूँ बहुत ऑसम एंट्री के साथ। बाकी आप बताओ। वेल, हाँ बिल्कुल, मेरा डेब्यू शो है, सो थोड़ा इमोशनल भी हो गया हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है कि लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सारे लोग भी अच्छा बोल रहे हैं कि मुझे बहुत पसंद आया। तो बस अपना प्यार बनाए रखें और देखते रहिएगा सेठ जी, थैंक यू। तो सेठ जी कहानी है दो औरतों की, उनकी इंडिविजुअल नहीं, वो तुमसे कहानी नहीं पूछ रहे, वो तुमसे पूछ रहे कि तुम्हारे पास थॉट कैसे आया। थॉट एक्टर के पास इतना जब थॉट बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने ये कॉन्सेप्ट और स्टोरी लिखी है। मैं हमेशा से आई वॉज इन टू राइटिंग, आई वेंट टू अ स्कूल जहाँ मैंने लिटरेचर पे अपना इंग्लिश ऑनर्स किया और पढ़ाई वढ़ाई की, और इतने सालों से इंडस्ट्री में रहकर I thought of this concept. This is very close to who I am. Pragati actually is an extension of me. मैं ही प्रगति हूँ। आप हम जैसे एज के सारे लोग प्रगति से रिलेट कर सकते हैं। और जो सेठ जी हैं वो हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो हमारे माँ बाप हमें कल्चरल वैल्यूज़ देते हैं, जो ट्रेडिशंस देते हैं, तो वो दिखा रहे हैं सेठ जी। तो कैसे ये दोनों आपस में मिलते हैं और क्या होता है, सो दिस इज व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। सुप्रिया, अगर आप लोगों को हमारी बेरी पिया से दोस्ती अभी तक बहुत पक्की है और मुझे विश करने आई है विश से भी ज़्यादा मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि मतलब एक एक्टर के पास इतना अच्छा कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। थोड़ी जलन हो रही है मुझे कि मैं कभी इतना अच्छा क्यों नहीं सोच सकती, क्योंकि मैं सच्ची इसके लिए बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा शो है। प्लीज़ आप लोग देखिए, बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, ऐसे कॉन्सेप्ट डेली सोप में देखने को नहीं मिलते, इसीलिए आप देखिए रेटिंग कितनी कम होती जा रही है। और इतना पावरफुल कैरेक्टर है वो सेठ जी की, मतलब और इसकी बहुत मेहनत है, इसने सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, इसने कॉस्ट्यूम, कलर कॉम्बिनेशन, सेट कैसा होगा, लोकेशन कहाँ जाना है, एक्टर्स कौन कौन होंगे, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ओवरऑल इसने क्रिएटिविटी भी पूरी है। थैंक यू, सही बोल रही हूँ मैं? बिल्कुल सही है। लोगों से लेकर सब कुछ से गाने सब कुछ मैंने अपना बहुत 100% दिया है। सो आई रियली होप कि जिस तरह आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया है एज एन एक्टर, वैसे आप ये शो को भी सहारें। लॉट्स ऑफ लव, प्लीज़ वॉच सेठ जी, एंड थैंक यू सो मच। एक ही रीज़न है प्योरली, दैट इज़ द प्रोड्यूसर दिव्य, ही इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड। हम उसको लास्ट ईयर पंजाब BCL के टाइम मिले थे, एंड वी वर प्लानिंग टू डू समथिंग टुगेदर एट दैट टाइम, वो नहीं वर्कआउट हुआ, बट वेरी डियर फ्रेंड। इस शो को जब 8 महीने पहले आई थिंक ऑलमोस्ट, जब पहली बार इसका कॉन्सेप्ट आया ही था दिमाग में, तब से मैं इस शो के साथ ऑलमोस्ट उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। सो आई नो कितनी मेहनत की है इन्होंने उस शो के पीछे, एंड फाइनली आज जब वो शो आ गया, सो एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, एंड आई विश आई प्रे कि वो शो इनके लिए बहुत सक्सेसफुल हो। पहला शो है, एंड कोई भी शो शुरू करना स्पेशली पहला हो तो बहुत मुश्किल होता है, सो आई एम ग्लैड फॉर हिम, एंड आई होप ऐसे बहुत सारे शोज वो करें एंड उनका प्रोडक्शन हाउस, एंड दैट्स अबाउट इट। वेल यार, मैं एक्चुअली, मेरा दोस्त है दिव्य, हम उसे प्यार से पंडित जी बोलते हैं, तो दिव्य को मैं एक्चुअली थिंक 1.5-2 साल से जानता हूँ। मैं जब लास्ट ईयर अम्बरसरिया हॉक्स, मेरी जो टीम है क्रिकेट की, दिव्य के साथ मैं कुछ डिजिटल हैंडल, दिव्य मेरा डिजिटल हैंडल कर रहा था उस टाइम पे, एंड वहीं से हमारी दोस्ती हुई, एंड यू नो वी यूज़ टू सिट टुगेदर, टॉक टुगेदर, एंड तब मुझे ना दिव्य ने सेठ जी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, एंड इट्स सो सच अ प्राउड फीलिंग, इट्स आई एम सो यू नो हैप्पी दैट इट्स एक्चुअली हैपेंड टुडे। सो गाइज, प्लीज़ वॉच इट मंडे टू फ्राइडे 7 PM ऑन ZTV। इज़ वॉन्ट से टू ऑल द फैंस कि यू नो बहुत हार्डवर्क जाता है, बहुत बहुत कुछ जाता है एक शो बनाने में, एंड इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, सो प्लीज़ गाइज यू नो डू वॉच इट, इट्स अ न्यू स्टोरी, फॉलो द स्टोरी एंड यू लव द स्टोरी, एंड दैट्स अबाउट इट। यू नो दिव्य को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि यू नो ही इज़ ड्रीम्ड बिग, तो बहुत ज़रूरी है सपने देखना, यू नो बहुत ज़रूरी है टू ड्रीम,
because when you dream, you work towards them. And he's done it, and I'm so proud of him, man. Hi, this is Divyanka Tripathi. Hi, this is Aneri Hojani. Hi, this is me, Jigyasa Singh. Hi, guys, this is Kushal Tandon. Hi, this is Sonal Bengulekar. Hi, this is Ali Goni. And you're watching Teleso. And you guys are watching Teleso. Keep watching your favorite channel, Teleso. Keep watching Teleso. You are watching Teleso. Please like, subscribe, and comment on Teleso.